हेलो एंड वेलकम टू व्लॉगपुर। गर्मियों में हम चाहे कितनी भी अलग अलग जूस पी लें, चाहे किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, लेकिन नींबू की शिकंजी से जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एकदम से हमारी बॉडी में जो रिफ़्रेश हो जाती, एकदम से जो उसमें एनर्जी आ जाती है, वो किसी और ड्रिंक्स में पॉसिबल नहीं। लेकिन नींबू की शिकंजी जब भी बनानी हो तो हमारे पास यही एक क्वेश्चन आता है कि नींबूओं को निचोड़ कर इतनी देर तक, उसके बाद में चीनी को इतनी देर तक घोलेगा कौन। तो अब इस प्रॉब्लम को हम इस सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के साथ, और आप बना लेंगे बहुत ही कम समय में नींबू की शिकंजी। गेस्ट भी आ जाएं बहुत सारे, वो भी एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी जल्दी आपने नींबू की शिकंजी तैयार भी कर ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो नींबू। आप जितना बनाना चाहते हैं सिरप, उतनी क्वांटिटी में आप नींबू ले सकते हैं। इन्हें मैं अच्छे से धोकर अब कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी नींबूओं को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब मार्केट में ये एक लकड़ी का टूल आता है नींबू का रस निकालने के लिए, आपके पास ये अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल हाथों से भी निकाल सकते हैं रस को। जब ज़्यादा नींबू का रस निकालना हो तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे नींबू का रस निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने चढ़ाया एक बर्तन, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा लीटर पानी। आधा किलो नींबू लिए हैं हमने, तो उतना ही हम पानी यहाँ पर ले रहे हैं। और इसमें मैंने डाला है एक किलो चीनी, इसे हम अच्छे से घुलने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पर नींबू का रस। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें एक उबाल आ जाए तब तक पकाएंगे। तो देखिए एक उबाल आ गया है, गैस को मैं बंद कर रही हूँ और इसे अब रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो सिरप हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम इस ग्लास की बॉटल में भरकर स्टोर करके रखेंगे फ्रिज के अंदर। ये देखिए सिरप को मैंने इसमें भर लिया है, और अब मैं आपको इससे नींबू की शिकंजी बनाकर बता देती हूँ। तो मैंने ग्लास ले लिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरप जो हमने तैयार किया है, उसके बाद में डाला भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में एक आइस क्यूब डाली है, और इसमें डालेंगे ठंडा पानी, और हमारी शिकंजी बनकर एकदम तैयार। तो देखिए झटपट कितनी जल्दी से, बस सिर्फ इस सिरप से ही हमारी नींबू की शिकंजी बनकर तैयार हो गई है। और जब भी आपका मन करे सिरप को निकालिए, उसमें पानी ऐड कीजिए, आपकी नींबू की शिकंजी तैयार है। ना कोई बार बार नींबू निचोड़ने की झंझट, और ना ही घंटों चीनी को घोलने की झंझट होगी। और इसे बनाकर बॉटल्स में भर के आप अपने जेंट्स को, बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें दीजिए, ताकि पूरा दिन वो थोड़ा थोड़ा इसे पीते रहेंगे, जिससे उनके अंदर पानी भी जाता रहेगा बॉडी में, और उन्हें एनर्जी भी मिलती रहेगी। वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ मिलूंगी अब मैं आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।